चलो यार थोड़े से कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं, कुछ फिल्टर्स लगा लेती हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा रखती हूँ, 5 years का रेवेन्यू ग्रोथ मोर देन 15%, डेट टू इक्विटी कमी रखती हूँ 0.5। ओह ये तो काफ़ी सारी कंपनीज आ गई इस फिल्टर में, ये कौन सी कंपनी है? जी मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तुम कौन सी कंपनी हो भाई, क्या बिजनेस मॉडल है तुम्हारा? एक्चुअली मैं टायर इंडस्ट्री। टायर यानी ऑटो सेक्टर? दिमाग खराब नहीं है मेरा। BS4, BS6, इंश्योरेंस कंपल्शंस, रेगुलेटरी इश्यूज, सेमीकंडक्टर इशू, पैसे नहीं सिर्फ इश्यूज बन सकते हैं तुम्हारे इस सेक्टर पे। अरे पर आप समझ तो लीजिए मेरा बिजनेस मॉडल। अरे क्या समझना है, ये सेक्टर है ही वेस्ट। एक बात बता, तूने मेरे फिल्टर्स को क्रॉस कैसे किया? अरे वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, हमें ऑटो सेक्टर में मत मिलाइए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। हम अलग है, मैं ऑफ रोड टायर्स का एक चैंपियन प्लेयर हूँ, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे, एंड मुझे ऑटो सेक्टर के स्लोडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अच्छा ऐसा क्या, जरा डिटेल में तो बता अपने बारे में। ये वीडियो देख लो सब पता चल जाएगा। आस्था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्या सही कंपनी है ना? आई मीन कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने हर साल ग्रो किया है। 2016 के मुकाबले अगर हम 2022 में देखें तो देन इन्होंने अपने वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए। बट क्या तुमने अभी इनके रीसेंट रिजल्ट्स नहीं देखे? रीसेंट रिजल्ट्स में इन्होंने इतना बुरा परफॉर्म किया है, एंड जिन वॉल्यूम्स की तुम बात कर रहे हो ना, वो Q&Q एंड YOY दोनों ही लेवल्स पे गिरे हैं, तो ये तुम्हें कंपनी कहाँ से अच्छी लग रही है? अरे लेकिन ये सब है ना टेम्पररी इश्यूज की वजह से हो रहा है, इस पर ना कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। आई थिंक जब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की और बेटर हो जाएगी तो आई थिंक कंपनी के परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगा। बट नंदा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना है? आई मीन इस सेक्टर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। चलो मैंने माना कि कई बार इन सेक्टर की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उनके वैल्यूएशंस अच्छे होते हैं, इस कंपनी के तो वैल्यूएशंस भी अच्छे नहीं है। यार देखो इस कंपनी को हम सीधा ऑटो सेक्टर बोल के रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी मेनली ऑफ रोड टायर्स में स्पेशलिस्ट है, नॉट कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स। सो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर के प्रॉब्लम्स थे उससे ये कंपनी प्रोटेक्टेड थी। बट अगर ये एक्चुअली ऑटो सेक्टर से इतना रिलेटेड नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता कि ये एक नीश मार्केट में है? आई मीन उसके हिसाब से वो ग्रोथ ऑलरेडी शो कर चुकी है एज यू ऑलरेडी सेड, तो अगर उनके पास मार्केट ही इतना बड़ा नहीं है तो वो ग्रो कहाँ से करेंगे? अरे लेकिन है यार यहाँ पर मार्केट बड़ा, आई मीन ऑफ रोड टायर्स के मार्केट शेयर में अगर हम ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी के पास करंटली 5% मार्केट शेयर, सो यहाँ पे स्कोप तो है और ग्रो करने का। एंड सेकेंडली ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका रिकरिंग यूज भी हो सकता है, 70% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इज आफ्टर मार्केट सेल्स, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट एक कस्टमर को एक ही बार बेचा जाएगा। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? यू सी कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है ना वो आ रहा है एक्सपोर्ट से, इंडिया से उनका जो रेवेन्यू जनरेशन है दैट इज ओनली 20%। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इंडिया में उनके पास ग्रोथ का स्कोप नहीं है? दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है। अगर इंडिया में उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है तो मतलब या तो ग्रोथ का स्कोप नहीं है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, दूसरा वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। अरे इंडिया में भी स्कोप है एंड ग्लोबल मार्केट्स में भी। अरे तुम इनफैक्ट देखो कि BKT का जो बिजनेस मॉडल है वो कितना कॉस्ट एफिशिएंट है, कंपनी इंडिया में एट अ लोअर लेबर कॉस्ट चीजें प्रोड्यूस करती है, एंड ये जो कॉस्ट है वो डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, एंड इंडिया में प्रोड्यूस किए हुए लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में बेच रही है, सो यहाँ से कितना बड़ा फायदा हो रहा है कंपनी को। पर यार इनके हैं कौन क्लाइंट्स, मतलब कौन सी ऐसी OEM जो इनके क्लाइंट्स हैं, और कोई बड़ा नाम है तो बता। अरे सारे मेजर OEM कंपनीज जिनको ऑफ रोड टायर्स लगते हैं वो सारे इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कुबोटा, जॉन डियर, JCB, कैटरपिलर। ठीक है बट ये कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? टायर, एंड टायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा हुआ? रबड़, एंड इनके रॉ मटेरियल की उस रबड़ की कॉस्ट होती है लगभग 60%, एंड वो जो हमारी प्राइसिंग होती है उस रॉ मटेरियल की वो होती है काफी वोलेटाइल, तो जब रबड़ के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड ये हमें इनके रीसेंट रिजल्ट्स में देखने को मिला है। अरे रास्ता पर ये तो किसी भी कंपनी के केस में हो सकता है, इस लॉजिक से तो कोई भी कंपनी जो किसी कमोडिटी पे डिपेंड करती है एज अ रॉ मटेरियल वो तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। मैंने ऐसा कब कहा? यू सी ये पूरा गेम प्राइसिंग पावर का है, अगर आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं एंड अगर आप उसको अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हो देन इट इज फाइन बिकॉज आप अपने मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हो, बट क्या ये कंपनी प्राइसिंग पावर पे अपना गेम खेल रही है? सी ऐसा व्हाट आई फील इज कि कंपनी के जो मार्जिन पे करंटली इंपैक्ट है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से है, एंड आई थिंक इवेंचुअली जब ये सिचुएशन बेटर हो जाएगी तो कंपनी के मार्जिन भी बढ़ जाएंगे। और ये सिचुएशन कब नॉर्मलाइज होगी? आई मीन इट इज वेरी इजी टू से कि जब भी सिचुएशन रिवर्स होगी तो तब कंपनी का कमबैक आएगा या उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, बट नोबडी हैज द आंसर टू ये सिचुएशन कब नॉर्मलाइज होगी। अरे तो यही तो इक्विटी इन्वेस्टिंग की रिस्क है, अगर ये चीजें प्रेडिक्ट करना इतना इजी होता तो इक्विटी में काफी इजीली पैसा बन जाता।
आई स्टिल थिंक कि यूरोप में जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो जब भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होगा तो कंपनी की डिमांड विल बी बैक ऑन ट्रैक। आई थिंक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन इश्यूज से अफेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज कंपनी में फंडामेंटली कोई इशू नहीं। मेरा एक और कंसर्न है एंड दैट इज कंपनी का कीपिक्स, बिकॉज जिस टाइम पे कंपनी कीपिक्स कर रही है वो टाइमिंग कंपनी के लिए शायद बेटर नहीं हो सकती, बिकॉज एज यू ऑलरेडी मेंशन के बहुत ज्यादा रिसेशन है ग्लोबल मार्केट्स में एंड वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट वहां से जब डिमांड ही इतनी सबड्यूड है तो उनका केपेक्स इस टाइम पे कंपनी को कैसे हेल्प करेगा? अब ये टाइम करना तो बहुत मुश्किल है यार। जब कंपनी ने ये सारे केपेक्स प्लान बनाए थे तब ग्लोबल एनवायरनमेंट में ऐसे इश्यूज थे नहीं, एंड केपेक्स प्लान कोई स्विच थोड़ी है कि अभी चैलेंजेस दिख रहे हैं तो बंद कर दो। अरे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है यार। सो बेसिकली अब तुम ये देखो कि जब केपेक्स होंगे मतलब एसेट्स आएंगे उससे रिटर्न कितना होगा पता नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन साथ ही में शुरू हो जाएगा। हाँ तो अरे अगर डेप्रिसिएशन साथ में शुरू हो गया रिटर्न है नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम नहीं हो जाएगा? थ्योरेटिकली यस, लेकिन करंटली कंपनी जो केपेक्स कर रहा है उससे उनका जो कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ जाएगा एंड इसी से उनका टॉप लाइन यानी रेवेन्यू भी आगे जाके बढ़ेगा। अगर हम FY22 की बात करें देन कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज समवेयर अराउंड 90%, सो ये आगे जाके बढ़ जाएगा। पर कैपेसिटी इंक्रीज करने से होगा क्या? जो प्रोड्यूस किया है वो बेचना भी तो पड़ेगा। अरे होगा होगा, ओवर अ लॉन्ग टर्म मुझे इस कंपनी पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन है यार। 30 के पीई पे मंदार ये थोड़ा रिस्की नहीं है? देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे मेरे रिस्क एपेटाइट के लिए ये कंपनी बहुत सही लगती है। पर सिर्फ रिस्क ही देखना है क्या? देखो रिस्क एपेटाइट के अलावा उस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस, रेटिंग, उसके रिजल्ट्स, उसका पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करके investorinnet.in में मिल जाएगी। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें एंड अगर आपको भी जानना है कि इसका एलोकेशन हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है या नहीं तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑफ रोड मार्केट के ऑफरोड टायर्स के ऑफरोड मार्केट पूरा मार्केट हर चीज ऑफरोड 90% सो ये केपेक्स बढ़ने से इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्योरेटिकली आई वाज हैविंग टू द बैक साइड कि जनरली मंदार अटकता है तब मुझे हंसी आती है, आज मुझे हंसी आ गई उसके बाद मंदार 3 बार अटक चुका है। हैव ऑफ बिकेट भूल गया एक तो, अरे अच्छे जा रहा था यार वो फ्लो टूट गया मेरा। आप बताओ कैसे लग रहा है? ठीक है जी, मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जी मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। नहीं 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 इतना अच्छा ऐसे घुमा रहे नहीं ये सब मुझे मुझे अनुष्का जैसा करना चाहिए। हेलो बाहर बाहर लास्ट टाइम बोलते थे पूरे क्यों नहीं। हां सीरियस सीरियस सीरियस। अरे वही तो कह रहा हूं मैं आपको कि मैं आगे भूल चुका हूं।